अस्पताल में दर्द से कराहते इस शख्स के साथ जो हुआ है उसे सोचने भर से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोमवार की सुबह परमेश्वर नाम का ये शख्स शौच के लिए खेतों में गया था। शौच के बाद जब वो पानी के लिए तालाब के किनारे पहुंचा तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक मगरमच्छ वहां घात लगाए बैठा है। मगरमच्छ ने अचानक हमला कर दिया और उसे पानी के अंदर खींचने लगा। शोर मचाने पर कुछ लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। किसी तरह परमेश्वर को मगरमच्छ के जबड़े से आजाद कराया गया, लेकिन तब तक वो उसका आधा हाथ चबा चुका था। पानी में लिया जा रहा था, लेकिन खूब हल्ला हुआ इधर से उधर से, तब छोड़ करके हाथ लेकर के और नदी में फिर चला गया। अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत नाजुक है लेकिन खतरे से बाहर है। तो गंभीर है, पूरा हाथ उसका बाया नहीं है। कंधे से पूरा हाथ घड़ियाल नोच लेके चला गया है, जैसा घर वाले उसके बता रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाया जा रहा है। परमेश्वर अगर शौच के लिए बाहर न गया होता तो शायद उसे अपना एक हाथ क्यों गंवाना न पड़ता। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये घटना और लोगों के लिए सबक का काम करेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।